चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में या जुनाइल जस्टिस बोर्ड में कोई मेंबर अगर बनना चाहता हो, मेंबर के लिए अप्लाई करना चाहता हो, बच्चों के लिए काम करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मेंबर होने के लिए? देखिए, इन दोनों में जेजे बोर्ड में और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कैसे रिक्रूटमेंट होती है, ये हमारा जो जनरल जस्टिस एक्ट है उसमें पूरा मेंशन किया हुआ अच्छा जी। तो इसमें 3-3 साल के लिए इसमें उनकी अपॉइंटमेंट होती है दोनों में। जी जेजे बोर्ड में चेयरपर्सन जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, बाकी जो दो मेंबर हैं वो और सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स हैं चेयरपर्सन है वो सब के लिए जो वैकेंसी होती है तो एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट के बाद जब अप्लाई कर देते हैं तो फिर उसका एक बोर्ड होता है सिलेक्शन कमेटी, वो उसका इंटरव्यू लेती है, फिर उनका सिलेक्शन होता है, फिर उनकी पोस्टिंग होती है। जी थैंक यू सर। Yeah.